नमस्कार। लॉकडाउन स्पेशल एपिसोड नंबर 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। सुबह की खिली खिली धूप निकल आई है। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन में अपने सेहत का और अपने परिवार का, अपने आसपास का पूरी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था, सरसों पक चुका है, ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग पे तैयार थी, टमाटर खूब लदे हुए थे, उसके आगे मैंने और क्या काम किया है, आइए देखते हैं। आइए छत का सैर यहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने बगिया के रंग देखते समय किया था। आइए, यहाँ पर आपको याद होगा मैंने दिखाई थी खूब सरसों यहाँ पर खड़ी थी और मैंने कहा था कि मैं उसको हार्वेस्ट करूँगी। ये देखिएगा, पिछले कुछ दिनों में मैंने ये सारी चीज़ें अपने छत से हार्वेस्ट करी हैं। जो टमाटर पौधे जिसके सूख रहे थे, वो इतने सारे टमाटर निकले हैं। ये देखिएगा, ये सरसों इतनी सारी निकली है और कुछ सरसों यहाँ पर और सूखने के लिए रखी हुई है। ये जो दाने अभी पूरी तरह से निकले नहीं थे, जो पूरी तरह से सूखे नहीं थे, ये देखेंगे आप नीचे नीचे इसके काफ़ी सारे दाने और दिख रहे हैं। तो ये जब पूरी तरह से और सूख जाएगा, ये देखिए, ये जब पूरी तरह से और सूख जाएगा तो इसमें से दाने और निकलेंगे और इसको भी मैं अलग कर लूँगी। ये सरसों, ये पॉकचा है जैसे मैंने कहा था, आप देखिएगा बिल्कुल सरसों के बीज थोड़े मोटे मोटे और ये जैसे बारीक वाली सरसों होती है उस तरह से ये पॉकचा के बीज हैं। ये भी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। हार्वेस्ट करने के बाद बीजों को अलग से आइडेंटिफाई करके अच्छी तरह से रखना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, ये क्या है, ये है मेरा 2 साल पहले का, मतलब पिछले से पिछले गर्मियों का गोल घिया, जिसके बीज निकाल के हम पिछले साल और इस साल निकाल चुके थे। इस तरह से घिया को काट के, और मैंने देखिएगा एक अपना पेन स्टैंड बना लिया है, इसमें ये कुछ आइसक्रीम की स्टिक्स हैं जो मैं ऐसे मार्कर करके यूज़ करती हूँ और कुछ पेंस वगैरह है, ये देखिएगा कितना सुंदर दिखता है। इस तरह से भी हार्वेस्ट जो है, नो वेस्ट, बिल्कुल इस तरह से आप अपने हार्वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा और मैंने क्या क्या हार्वेस्ट किया है। ये है नेस्टेशियम के बल्ब, नेस्टेशियम के बीज। मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, हर जगह पे काफ़ी नेस्टेशियम, यहाँ पर नींबू के बीच में एक बहुत सुंदर सा नेस्टेशियम यहाँ पर बह रहा था, बिल्कुल फूला हुआ था, वो ख़त्म हो चुका था। तो उसके मैंने नेस्टेशियम के बीज, इस तरह से देखिएगा कितने सारे हैं, कितने सारे हैं। मुझे लगता है मेरे घर के आसपास का एक काफ़ी बड़ा एरिया मैं आने वाले विंटर में और इस नेस्टेशियम से पूरी खिला सकती हूँ। उसके बाद में कैलेंडुला के कुछ बीज हैं, जो कैलेंडुला मेरे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ था, और भी खूब सारे बीज रखे हैं, ये सूखने के लिए रखे हैं। ये है जाफरी, जाफरी माने ये फूल, जिसको फ्रेंच मैरीगोल्ड कहते हैं। आप जब भी सब्जी बोइएगा उसके आसपास आप ये गेंदा और जाफरी ज़रूर लगाइएगा। ये जो अटैक करने वाले हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं इनको दूर रखता है आपके सब्जियों से, और जो अच्छे इंसेक्ट्स होते हैं, जो पॉलिनेटर्स होते हैं, उन पॉलिनेटर्स को ये जाफरी और जो गेंदा है अपने कलर और अपने गुणों की वजह से अट्रैक्ट करता है, जिससे आपके सब्जियों में बहुत अच्छे से पॉलिनेशन हो जाता है। उसके बाद में ये देखिएगा, ये फ्रीजिया के बल्ब्स हैं, और उसके बाद ये कुछ डॉग फ्लावर के फूल बीज हैं, कुछ ये एस्टर के बीज हैं, ये देखिएगा। इस तरह से मैंने खूब सारी हार्वेस्टिंग करी पिछले कुछ दिनों में। और एक जो मैंने काम किया, ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि जब यहाँ पर सरसों खड़ी थी उसी के बीच में 15 फरवरी के बाद में, करीब दूसरे या तीसरे हफ्ते में जो हमने बीज डाले थे, फरवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में, उसके जो सैपलिंग्स लगे थे सरसों के कटने से पहले ही हमने ये सैपलिंग्स ट्रांसप्लांट कर दिए थे। क्या हुआ देखिएगा, कितने हेल्दी सैपलिंग्स खड़े हैं। ये इसलिए खड़े हैं कि जब ये बीज हमने ये जो सैपलिंग्स हमने जब ट्रांसप्लांट करे थे तो बहुत ही छोटे थे, नाजुक थे, और ये जो सरसों यहाँ पर लंबी लंबी खड़ी थी उसके छाया में, उसकी ठंडक में, इस पौधों को ये स्ट्रेंथ मिली। ये देखिएगा, ये है, और आइए ये देखते हैं, ये देखिएगा, जो भी हमने ट्रांसप्लांट किया था बिल्कुल पूरी तरह से 100% हेल्दी है,
जीवित हैं, ये देखिएगा कितना अच्छा। ये भी एक गोल घिया की बेल है, ये वाली देखिए कितनी अच्छी खड़ी है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रही थी, ये देखिए मैंने कहा था बेजिल के नीचे भी जो हमने पौधे लगाए हुए थे, जो ट्रांसप्लांट करे थे समर के, ये देखिए ये भी बहुत हेल्दी है। ये देखिए यहाँ पर भी खूब सारा पालक था जिसको मैंने हार्वेस्ट कर दिया था। और मैंने कहा था उस कोने में एक छोटे से गमले में एक ककड़ी की बेल आई थी, और मैंने कहा था मैं उसको बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करूँगी। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने ट्रांसप्लांट करी है और इसमें अभी फूल भी आने शुरू हो गए हैं। और कितना हेल्दी और कितना तरोताज़ा ये पौधा है, ये देखिएगा। ये सारे जब यहाँ पर फसल खड़ी थी तभी जो हमने ट्रांसप्लांट किए हुए ये सारी बेलें थी, ये बेलें सारी बिल्कुल तरार खड़ी है, एकदम स्ट्रेंथ के साथ में और हेल्थ के साथ में यहाँ पर खड़ी है। दूसरा एक और काम मैंने पिछले कुछ दिनों में किया, जैसे ही मैंने सरसों हार्वेस्ट करी, आप देख रहे हैं ये देखिए क्या है, इसे क्या कहते हैं, नीचे आपको मिट्टी दिख रही है यहाँ पर पौधों के आसपास, ये देखिए बिल्कुल कोई मिट्टी नहीं है। और ये क्या है, ये सारा मेरे पिछले समर के हार्वेस्ट के बाद जो भी मैंने हॉर्टिकल्चर वेस्ट निकला हुआ स्टोर करके रखा था, मैंने दिखाया था इन ड्रम्स में, ये देख रहे हैं ये ड्रम ऑलमोस्ट खाली है। यही हॉर्टिकल्चर वेस्ट उठा के और मैंने यहाँ पर मल्चिंग कर दी है। मल्चिंग की वजह से आपकी नीचे की मिट्टी नम रहेगी, उसमें पानी कम लगेगा और ये जो सारे बेबी प्लांट्स हैं इनको बहुत अच्छे से ठंडक मिलेगी। जो आपका सॉइल लाइफ है, सॉइल के अंदर जो भी केंचुए हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, जो भी हैं, उनको ये एक वार्म्थ भी देगा, मिट्टी को ठंडा रखेगा, माइक्रोब्स को वार्म्थ देगा और ये जो इकोलॉजी है इनकी ये बहुत अच्छी चलती रहेगी। समर बस आने वाला है, ऑलमोस्ट आया हुआ है, और तब जो एकदम पिलपिलाती धूप की वजह से आपकी मिट्टी सूखने लगती है और पानी मांगने लगती है वो यहाँ पर नहीं होगा। अब जब मैंने ये मल्च किया, इस मल्च के साथ ही मैंने ये इस पूरे बेड में खूब सारे अमरांथ के चौलाई के बीज डाल के रखे हुए हैं। अब ये देखिएगा ये काफ़ी इसमें नमी है मिट्टी में, ये देखिए काफ़ी नमी है मिट्टी में, ये देखिएगा ये बाइंड हो रहा है, ये बाइंड हो रहा है, लड्डू टेस्ट हो रहा है। सो इसी नमी में मल्च करते ही पानी डाल के और मैंने पूरे बेड में यहाँ पर चौलाई के बीज डाल दिए हैं। उसी तरह से इन क्यारियों में भी मैंने मल्च कर दिया है। ये देखिएगा इसमें जो भी कुछ था, किसी में पालक था, किसी में थोड़े प्याज थे, वो सारा हार्वेस्ट करके मल्च करके और मैंने इसमें पालक डाला हुआ है। उसमें ये कॉम्पोस्ट से आए हुए टमाटर के पौधे हैं, ये देखिए मैंने जब भी इसमें कॉम्पोस्ट डाला होगा उसमें से जो सैपलिंग्स निकले थे वो ये सैपलिंग्स मैंने इसको बरकरार रखा है और बीच में इसके पालक के बीज डाल दिए हैं। अभी कुछ दिनों के बाद जब आपको ये क्यारी दिखाई देगी तो ये बेलें ऊपर आती हुई दिखाई देगी और उसके साथ साथ में अमेरंथ माने चौलाई की सब्जियां यहाँ पर खड़ी आधे हाइट में खड़ी दिखाई देगी। इस साल जो मैंने सारा हार्वेस्ट करने के बाद हॉर्टिकल्चर वेस्ट निकाला वो देखिएगा इस तरह से मैंने, ये देख रहे हैं ये ड्रम पूरा भर गया है। ये देखिए ये ड्रम पूरा नेस्टिशियम है, कुछ टमाटर के पौधे हैं, कुछ सरसों की अभी और मैंने नीचे डाल के कुछ रखी हुई है, कुछ और सरसों की इसके अंदर भी पौधे गए हुए हैं। और ये जो ड्रम पिछले साल का था ये पूरा खाली हो चुका है। अब जहाँ जहाँ पर और हार्वेस्टिंग करना बाकी है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा रेड लेटस अभी भी फ्लावरिंग पे आने वाला है, जब इस ये कटेगा तो यहाँ पर भी पूरे मल्चिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये देखिएगा, ये देखिए पूरे टमाटर में हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और टमाटर के इसमें भी मैंने नए बीज डाले हैं, क्लस्टर बीन गुआर फल्ली के मैंने बीज डाले थे टमाटर के साथ साथ ही। और ये देखिएगा टमाटर को मैंने, क्योंकि इसमें गुआर फल्ली की पौध ऑलरेडी खड़ी थी तो मैंने टमाटर को उखाड़ा नहीं, ये देखिए टमाटर का पौधा है इसको मैंने काटा है। इसमें देखिएगा
ऑलरेडी कुछ दो टमाटर है, जिसमें भी जान है उस पौधे को मैंने रखा है। ये टमाटर का पौधा देख रहे हैं कितना हेल्दी है, ये कॉम्पोस्ट से आया हुआ है। ये देखिए, ये भी देखिए ग्वार फल्ली का एक पौधा यहाँ पर दिख रहा है मुझे, और बाकी मैंने सबको मल्चिंग कर दिया है। ये बिल्कुल मैंने दिखाया था पिछली बार, रंग अपनी पूरी जोश पे हैं, समर के रंग बिल्कुल पूरी जोश पे हैं। ये ग्लैडियोला की पौध ग्लैडियोला का पौधा अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है, ये लग रहा है मुझे सूखा हुआ, लेकिन अभी भी हरा है। इसके बाद में मैं ग्लैडियोलस के भी बल्ब निकाल लूँगी, ये मैं आपको जब हार्वेस्ट करूँगी तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। स्ट्रॉबेरी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, अच्छा अभी भी कुछ स्ट्रॉबेरी यहाँ पर है, और कोई लाल स्ट्रॉबेरी देखते हैं अगर आज हमको मिल जाती है तो। अच्छा नहीं, मैंने शायद सारी लाल स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट कर ली है। देखिए ये टमाटर अभी और अच्छा हेल्दी था तो मैंने इसको छोड़ा है, बाकी सब में मल्चिंग करी है और इस तरह से मार्किंग करके रखा है। यहाँ पर इस एरिया में मैंने करेले के बीज फिर से दोबारा डाले हैं, कुछ पहले लगी हुई बेले मेरी ऑलरेडी यहाँ पर है, ये जो पिछले ट्रांसप्लांटिंग के समय इन टमाटर के बीच में भी मैंने कुछ बेल लगाई थी। यहाँ की बेल हो सकता है मेरे हार्वेस्टिंग के समय निकल गई हो, तो मैंने दोबारा करेले के बीज डाले हैं। फिर ये गोभी अभी भी बनी नहीं है, और यहाँ पर भी बेल शायद निकल चुकी है, इसलिए मैंने दोबारा इसमें भी बीज डाले हैं। कौन से बीज डाले हैं, अच्छा जी ये छुप गया है, सो ये मैंने मराठी में लिखा हुआ है, ये है रिज गॉर्ड। सो इस एरिया में मैंने रिज गॉर्ड के बीज डाले हैं। देखिए पूरी तरह से मल्चिंग करके आपको कहीं मिट्टी नहीं दिख रही है, ये मेरे पिछले साल का ही हॉर्टिकल्चर वेस्ट है। ये देखिए ट्रांसप्लांटेड पौधा यहाँ पर खड़ा है, ये सेम अपने आप आई है, देखते हैं इसका आगे क्या होता है। बस ये टमाटर अभी भी पूरी उसमें है, बिल्कुल फ्रेश हैं। ये टमाटर अभी अगली बार मैं हार्वेस्ट करूँगी, और इस तरह से जहाँ जहाँ मैंने हार्वेस्ट कर लिया था, यहाँ पर भी अगर आपको याद हो खूब नेस्टिशियम यहाँ पर पूरा नीचे फैला हुआ था, और उसके निकालने के बाद में ये आपको ट्रांसप्लांट किए हुए पौधे इसके अंदर दिख रहे हैं। इसमें अभी और मेरा मल्चिंग करना बाकी है, और ये जैसे ही मैं पूरी क्यारी इसको खाली करूँगी, ये देखिएगा इसमें मल्चिंग करूँगी। ये टमाटर पूरा पक चुका है और बस ये मांग रहा है कि मैं अभी इसको भी हार्वेस्ट कर लूँ। तो चलिए लॉकडाउन के समय अपने बगिया के रंग इस तरह से आप एंजॉय कीजिएगा, आप अपने बगीचे में इस तरह से काम कीजिएगा, और इस तरह से आनंद लीजिएगा, अपनी सेहत को ठीक रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार।